हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं और ये जो सरकारी नौकरी निकल रही है वो महिला पुरुष दोनों के लिए निकल के आ रही है। इसमें महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म अप्लाई करेंगे और वैकेंसीज आर्मी, सफाई वाला, कुक, चपरासी, चौकीदार, माली, नाई, क्लर्क आदि पदों पर ये बड़ी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आ गया है। 2021 की लेटेस्ट वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन है, क्योंकि कोविड के कारण काफ़ी सारी भर्ती प्रक्रिया जो 2020 में नहीं आ पाई उन भर्ती प्रक्रियाओं को जो है 2021 में निकाला गया है। बड़ी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यदि आप भी अभी बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। आर्मी सफाई वाला भर्ती प्रक्रिया 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म अप्लाई जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले आपको बताया गया आर्मी कॉलेज में माली, फायरमैन, चौकीदार के पदों पर भर्ती, रक्षा मंत्रालय की भर्ती, और ये जो वैकेंसीज है डिफेंस के अंतर्गत होगी, यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये जो है आपको जॉब मिलेगी, जो सैलरी जो आपको मिलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे आपको इसमें मिलेगी। और इसमें 45 दिनों तक आप आवेदन कर सकते हैं और सभी राज्य से इसके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो यहां भी देख सकते हो, इसमें भी आपको बताया गया सभी राज्य से फॉर्म राज्य से शुरू, रक्षा मंत्रालय की भर्ती है, 45 दिनों तक आपको इसमें आवेदन करना है। और इसकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10th पास और 12वीं पास, यानी कि 10वीं और 12वीं पास हैं तो इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सैलरी आपको इसमें पोस्ट जो हमारी पोस्ट है, जैसे कि कुक है, चपरासी है, चौकीदार के लिए अलग पेमेंट मिल रहा है और क्लर्क की जो पोस्ट है उनके लिए आपको अलग पेमेंट मिल रहा है। बात कर रहे हैं हम कुक, चपरासी, चौकीदार की पोस्ट के लिए पेमेंट आपको मिलेगा 18,000 से लेकर 56,000 रुपये प्रति महीना आपको इसमें वेतन मिलेगा। और ऑल स्टेट से आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सभी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो आप इस आर्मी भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी राज्यों से ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले वैकेंसी जो आपको मिल रही है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आपको यहाँ मिल रही है। वेतन आपको इसमें लेवल फोर्थ के अनुसार मिलेगा, 25,500 से लेकर 81,100 रुपये प्रति महीना आपको इसमें वेतन मिलेगा। ग्रुप सी के अंतर्गत वैकेंसी आपको ये मिलेगी। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसी आपको जो है लो डिवीजन क्लर्क की मिलेगी, यानी कि LDC की वैकेंसी आपको मिलेगी। तो LDC के लिए वेतन क्या मिलेगा, 19,900 से लेकर 63,200 ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसी आपको मिलेगी। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसी आपको मिलेगी सिविल मोटर ड्राइवर की, तो ये भी एक यहाँ सी ग्रुप की वैकेंसीज होगी, ऑर्डिनेंस ग्रेड है, लेवल 2 के अनुसार आपको इसमें वेतन मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल रखे गए हैं फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना होगा ये जो लेवल जो आपको बताए गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे आपको इसमें पेमेंट मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे आपको इसमें जो अन्य स्वीकृत भत्ते हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे। इसी के साथ बात करेंगे सिविल मोटर ड्राइवर की, यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी आपको यहां मिल रही है। तो ड्राइवर की वैकेंसी के लिए 19,900 से लेकर 63,200 रुपए प्रति महीना आपको इसमें वेतन मिलेगा। इसके साथ ये भी सी ग्रुप की वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसी आपको इलेक्ट्रीशियन की मिल रही है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपको जो वेतन है लेवल 2 के अनुसार दिया जाएगा, 19,900 से लेकर 63,200 रहेगा, ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसीज आपको मिलेगी। इसके साथ वैकेंसी कुक की मिल रही है, आपको कुक की वैकेंसी भी देख सकते हो, ये कुक की वैकेंसी रहने वाली है। तो कुक के लिए भी आपको वेतन मिलेगा लेवल 2 के अनुसार, इसमें भी आपको 19,900 से लेकर 63,200 रुपए प्रति महीना वेतन मिलेगा, ग्रुप सी के अंतर्गत ये वैकेंसी आपको मिलेगी। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसी है आपको पोस्ट मेकर के लिए, तो पोस्ट मेकर के लिए आपको ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, 18,000 से लेकर 56,900 रुपए प्रति महीना आपको इसमें वेतन मिलेगा। MTS यानी कि वॉचमैन की वैकेंसी है, ग्रुप डी के अंतर्गत ये वैकेंसी आपको मिलेगी। यहां ग्रुप डी के अंतर्गत ये वैकेंसी मिलेगी, तो ग्रुप डी का वेतन रहेगा इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 18,000 से लेकर 56,900 रुपए प्रति महीना आपको इसमें MTS के लिए पेमेंट मिलेगा। और ग्रुप डी के अंतर्गत ये वैकेंसीज रहेगी, लेवल 1 के अनुसार वेतन मिलेगा। तो वॉचमैन यानी चौकीदार की वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसीज आपको MTS सफाई वाला की वैकेंसीज मिल रही है। सफाई वाला पे लेवल देख सकते हो, 1 आपको लेवल मिलने वाला है, 18,000 से लेकर 56,900 रुपए प्रति महीना वेतन मिलेगा सफाई वाला की पोस्ट के लिए। तो यदि आप आर्मी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास सुनहरा मौका है, सभी राज्य से फॉर्म अप्लाई करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ये भी ग्रुप डी की वैकेंसीज रहने वाली है। और इसके साथ MTS गार्डन यानी कि माली की वैकेंसीज आने वाली है, तो माली की वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप डी के अंतर्गत ये वैकेंसीज आपको मिलेगी, लेवल 1 के अनुसार वेतन मिलेगा, 18,000 से लेकर 56,900 रुपए प्रति महीना आपको इसमें वेतन मिलेगा। इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसीज आपको बार्बर की मिल रही है, बार्बर की वैकेंसीज आपको मिल रही है। बार्बर के लिए आप देख सकते हो वेतन 18,000 से लेकर 56,900 रुपए, ग्रुप डी के अंतर्गत ये वैकेंसीज मिल रही है, लेवल 1 के अनुसार वेतन मिलेगा। इसी के साथ फाटीगम के लिए वैकेंसीज जो आपको मिल रही है, 18,000 से लेकर 56,900 रुपए प्रति महीना आपको इसमें वेतन मिलेगा, ये भी ग्रुप डी के अंतर्गत है। सुपरवाइजर की वैकेंसीज भी आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिल रही है, ग्रुप डी के अंतर्गत वैकेंसीज 18,000 से लेकर 56,900 रुपए प्रति महीना आपको इसमें वेतन दिया जाएगा। इसके साथ अवसर की वैकेंसीज आपको मिल रही है, साइकिल फिटर की वैकेंसीज आपको मिल रही है। तो ये अलग अलग वैकेंसीज आपको इसमें मिल रही है, आपको जो पोस्ट अच्छी लगे उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो पोस्ट आपको अच्छी लगे, जैसे कि आप अप्लाई करना चाहते हैं कि मैं तो माली के लिए अप्लाई करूंगा, तो यहाँ माली के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, या यदि आपको कुक में इंटरेस्ट है तो आप कुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यदि आप फायरमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फायरमैन के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आप क्लर्क बनना चाहते हैं आर्मी में तो आप क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको केवल पोस्ट अप्लाई करना होगा, केवल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है।
यहाँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी डिटेल्स जो बताई गई है, यहाँ अलग अलग जो इसमें वैकेंसीज मिल रही थी, हम बात करेंगे यहाँ लो डिवीजन कलर के लिए। लो डिवीजन कलर में है 12वीं पास, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, हम जल्दी से जल्दी आपको ये जो है सेक्शन की योग्यता बता देते हैं। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए रखी गई 10th पास के साथ साथ यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ इलेक्ट्रीशियन के कुक के लिए आप देख सकते हो या 10th पास रखी गई है, और नॉलेज होना चाहिए भारतीय जो कुक है पकाने का जो तरीका है उनका नॉलेज होना अनिवार्य है। इसी के साथ बात करेंगे फोस्ट मेकर की, यहाँ वैकेंसीज मिल रही है, फोस्ट मेकर की वैकेंसीज मिल रही है एमटीएस गार्डन, एमटीएस सपाईवाल, एमटीएस जो वैकेंसीज थी उनके लिए 10th पास है। 10th पास के साथ साथ इसके आधार पे आपको अनुभव होना अनिवार्य है। बार्बर की वैकेंसीज है, सुपरवाइजर की वैकेंसी है, 10th पास रखी गई है, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ साइकिल फिटर की वैकेंसीज है, ये अलग अलग वैकेंसीज आपको इसमें बताई गई है। आपकी उम्र सीमा 18 से लेकर 27 वर्ष रखी गई है। एससी एसटी ओबीसी को यहाँ 3 और 5 साल की छूट मिल रही है, तो ये अलग अलग छूट भी आपको इसमें बताई गई है। फॉर्म भरने से पहले आप इसको ध्यान से पढ़ने हैं और पढ़ने के बाद ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें आपको जो है अपडेट्स बताए गए हैं कि 50 रुपये का एक डाक टिकट होगा, संलग्न करना होगा, यानी कि आईपीओ आपको इसमें भेजना है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको इसमें भेजना है 50 रुपये का। और वो किस नाम से भेजना है, कमांडेड आर्मी वार कॉलेज महू, यानी कि मध्य प्रदेश से जो मिल रहा है, मध्य प्रदेश आपके मध्य मतलब ऑल बात की जाए सभी स्टेट्स की तो मध्य में रहता है, तो आप सभी में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास एक सुनहरा मौका है। और इसके साथ फ्रेंड्स बात करेंगे इसमें क्लोजिंग डेट क्या रहने वाले, 45 डेज जो इसमें बताए गए हैं कि 45 डेज के भीतर भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका 40 डेज जो है हम आपको बताएंगे कि डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें संपूर्ण डिटेल्स मिल जाएगी इसके लास्ट डेट संबंधित। इसके साथ बात करेंगे इसमें आपके सब्जेक्ट जो बताए गए, कौन कौन से विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको यहाँ बताए गए। फॉर्म भरने से पहले इस ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आपको बताया गया, नोटिफिकेशन देख सकते हो फ्रेंड्स कहाँ से नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ है, तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एचक्यू आर्मी वार कॉलेज महू एमपी से ये एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 2021 का सबसे बड़ा नोटिफिकेशन आ गया है। बात करें आर्मी कॉलेज का ये बड़ा नोटिफिकेशन है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।